फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को टूथ नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ कि टूथ नंबरिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसमें टूथ को मेंशन करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जिसको हम लोग कहीं भी किसी भी जगह अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो उस नंबर से डिनोट करते हैं कि इस नंबर का टूथ है। उसके लिए एक नंबरिंग सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग टूथ नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। ये तीन टाइप का होता है। जो पहला सिस्टम है ये मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड जिगमोंडी एंड इट इज आल्सो नोन एज पामर सिस्टम और एंगुलर और ग्रिड सिस्टम। द सेकेंड वन इज अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन सिस्टम एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एंड इट इज कॉल्ड एज फेडरेशन ऑफ डेंटेयर इंटरनेशनल, फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज मोर एडवांस सिस्टम एंड इट इज कॉमनली यूज आउटसाइड फ्रॉम इंडिया एंड इट इज ऑल्सो यूज नाउडेज इन इंडिया। नाउ कम ऑन द टॉपिक, वाट इज जिगमोंडी पामर सिस्टम। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही सिस्टम की बात करेंगे कि जिगमोंडी पामर सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा प्राइमरी डेंटिशन है और जो परमानेंट डेंटिशन है उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें हम लोग टूथ के नंबर को डिनोट करते हैं। तो जो हमारा परमानेंट डेंटिशन है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे इन मेथड ऑफ जिगमोंडी और पामर नोटेशन सिस्टम। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। जो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो जो हमारा मिडलाइन है क्वाड्रेंट का, दिस इज द मिडलाइन। फ्रॉम हेयर वी कॉल्ड एज अपर राइट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर राइट क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तरह का ग्रिड बना रहा है। अगर लोअर राइट क्वाड्रेंट की बात हो रही है या लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट की, तो दिस इज लोअर लेफ्ट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट है। तो लोअर लेफ्ट को हम लोग ग्रिड बना के भी डिनोट करते हैं और अपर राइट क्वाड्रेंट, तो अपर राइट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो इसको हम लोग इस तरह से ग्रिड में भी लिख सकते हैं कि ये अपर राइट क्वाड्रेंट है। तो इसको ग्रिड, इसलिए इस सिस्टम को हम लोग ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, एंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। जो हमारा डेसीडुअस डेंटिशन है उसमें नंबर ऑफ टीथ 20 होते हैं। तो इस टीथ को डिनोट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ए से लेकर के ई तक डिनोट करेंगे। If we are denoting upper right quadrant in deciduous dentition, then we can write here A, B, C, D and E. So similarly, here we can also denoting left upper quadrant means A, B, C, D, E. So yahan pe what is A? So A is denoting as a central incisor. This is denoting central incisor of maxillary deciduous teeth, okay? And in this quadrant, what A is denoting? This is denoting maxillary left central incisor. So these grid are very important because this grid is denoting the quadrant number, which quadrant number. So now we are writing here from A to E, A, B, C, D, E. So, यहाँ पे ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड क्या डिनोट कर रहा है? तो ये ग्रिड बेसिकली लोअर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर को डिनोट कर रहा है, लोअर लेफ्ट लेटरल इंसाइजर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट मैंडिबुलर मोलर इन फोर्थ पोजिशन। हेयर B and E is denoting mandibular first and mandibular second molar, but here
it is denoting maxillary first and maxillary second deciduous molar. So similarly we can write here A, B, C, D and E. So these are the numbering system of deciduous dentition in Zsigmondy or Palmer notation system, and it is also known as grid or angular system. अब हम लोग इसके अलावा परमानेंट डेंटिशन में कैसे इसको लिखेंगे? तो परमानेंट डेंटिशन में ए से ई तक नहीं बताया गया, उसमें जो हम लोग सीखते हैं वो हम लोग वन से डिनोट करते हैं, क्वाड्रेंट उसी तरह से है लेकिन इसका जो डिनोटिंग है वो 1 to 8 1 to 8 1 to 8 and 1 to 8. क्वाड्रेंट डिवाइड सिमिलरली एज डेसिडुअस डेंटिशन, बट हेयर नंबर इज डिनोटिंग द टूथ नंबर. जबकि हम लोग डेसिडुअस में देख रहे हैं कि ए इज डिनोटिंग द टूथ नंबर, वेयर एज इन परमानेंट डेंटिशन इट इज डिनोटेड एज 1. 1 इज डिनोटिंग द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, 2 इज डिनोटिंग लेटरल, 3 केनाइन एंड फोर्थ पोजीशन इज डिनोटिंग हेयर प्रीमोलर. वेयर एज इन डेसिडुअस डेंटिशन फोर्थ नंबर इज फोर्थ पॉइंट और which is indicating as D, it is denoting as molar position and it is denoting as premolar position in permanent. So we can write here 5, 6, 7, 8. So this is similarly written here 1, 2, 8, 6, 7, 8. So this is the permanent dentition of Zsigmondy Palmer notation system. एंड इस सिस्टम में क्या एडवांटेज है? इस सिस्टम में ये इजी टू राइट है, आप ग्रिड बना के इसमें लिख सकते हो. लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड जो है वो सेम नंबर को डिनोट करता है या अपोजिंग साइड जो है वो सेम नंबर को डिनोट करता है. अगर आप परमानेंट में भी देखेंगे तो ये सेम नंबर अपोजिंग साइड इधर भी और डेसिडुअस डेंटिशन में भी सेम अपोजिंग साइड जो है वो सेम नंबर या सेम लेटर को डिनोट करता है. तो ये इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है. और आगे हम लोग दूसरे सिस्टम की बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एंड फेडरेशन ऑफ डेंटेयर इंटरनेशनल. थैंक यू. प्लीज लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.